तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एक टॉपिक है जो कि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में, कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम फाइंड आउट करना है यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो जैसा कि हमने सिंपल पेंडुलम का भी इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, वो हमने लैग्रेंजियन यूज करके निकाल दिया था। हमने विथ यूजिंग लैग्रेंजियन हमने न्यूटनियन मैकेनिक्स मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ भी प्रूफ कर दिया था, और लैग्रेंजियन मैकेनिक्स सॉरी लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है उसको भी अच्छे तरीके से डिराइव कर दिया था। तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया है, लैग्रेंजियन डायनेमिक्स। आप उसमें जाके देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक उसमें से मतलब ऐसा लगे कि आपको वो टॉपिक देखना है। तो जैसा कि सिंपल पेंडुलम के लिए हमने निकाला था, तो वहां से आप समझ भी गए होंगे कि किस टाइप से निकाला जाता है। फिर भी मैं कह देता हूँ कि सपोज ये कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, लेंथ इज एल एंड एम जी इज द वेट। तो अब जो है, हमें सपोज सबसे पहले लैग्रेंजियन यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम बताना है। तो सबसे पहले हमको लैग्रेंजियन पता होना चाहिए। तो व्हाट इज लैग्रेंजियन इज इक्वल टू एल इक्वल टू टी माइनस वी, ये हमको पता है, ठीक है, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। अब जो टी क्या होता है, टी काइनेटिक एनर्जी होता है, वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, हमको पता है। तो हमको पता है कि कंपाउंड पेंडुलम के लिए जो टी होता है वो सीधा सीधा होता है हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, एंड थीटा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा डॉट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, थीटा डॉट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब ये तो मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो होता है कैपिटल माइनस कैपिटल एम जी एल कॉस थीटा, एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये आप अगर सिंपल पेंडुलम भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए दोबारा यहां पर नहीं निकाल रहा, ठीक है। अब देखिए, टी और वी हमें पता है, अब हमको इस टी और वी को एल में पुट कर देना है। तो हमें एल का वैल्यू निकाल लेना है, लैग्रेंजियन एल इक्वल टू हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस, सो इट विल बी प्लस एम जी एल कॉस थीटा। सो इट इज द इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। तो हमने एल का वैल्यू निकाल लिया क्योंकि हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है वो हमको पता है। लैग्रेंजियन इक्वेशन कोई भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के लिए क्या होता है कि डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहां पर क्यू के जो है मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, मतलब, लेकिन इस केस में अगर मैं ये सिंपल पेंडुलम का केस अगर कंसिडर करूं तो मेरा जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या है, थीटा, वो क्या है, थीटा। तो मैं इस इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में अगर लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए, हमें सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, फिर मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा डेल एल अपॉन डेल थीटा, और मुझे फिर उन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। अब देखिए, मेरे पास एल है तो मैं इसका डेल एल अपॉन डेल थीटा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इक्वेशन वन को पार्शियली। तो मैं डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट निकाल रहा हूं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम सिर्फ इस टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो जिस टर्म पे थीटा डॉट हो उसी टर्म को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा डेल बाई डेल थीटा डॉट ऑफ हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू होगा, हाफ तो बाहर निकल जाएगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर निकल जाएगा, और टू थीटा डॉट, तो टू से टू कैंसिल, तो उसका जो वैल्यू आता है वो क्या आ जाएगा, आई थीटा डॉट, ठीक है, आई थीटा डॉट, ठीक है। अब देखिए, मुझे डेल एल अपॉन डेल थीटा भी निकालना पड़ेगा इस टर्म के लिए, तो मैं अब निकाल लेता हूं डेल एल अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, उसको अगर
क्योंकि इस एल को, ये तो एल है, कंप्लीट एल ये है, तो एल को अगर मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो मुझे ओनली थीटा वाला जिस टर्म में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम जी एल कॉस थीटा है, तो अगर मैं इसको कुछ डिफरेंशिएट करूँ तो एम जी एल तो मेरा बाहर निकल जा रहा है, और साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सो साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस मैंने पहले लिख लिया, तो डेल एल अपॉन डेल थीटा का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लूंगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को जब मैं पुट करता हूँ तो मेरा लैग्रेंजियन, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इक्वेशन ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो यूजिंग ए बी इन वन, ओके, अब ए बी को आप वन में यूज कर दीजिए, तो जो मेरा वैल्यू जो आएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट का वैल्यू क्या आ रहा है, आई थीटा डॉट, ओके, आई थीटा डॉट माइनस माइनस इज हियर, एंड अगेन डेल एल बाई डेल थीटा का वैल्यू जो है माइनस एम जी एल कॉस थीटा, सो इट इज प्लस एम जी एल साइन थीटा, ओके, और उसका वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। अब देखिए आप, आई थीटा डॉट को अगर मैं डी बाई डी टी करूँ तो आई तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर, यस, सो दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, तो आई थीटा डॉट जो है वो डबल डॉट हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ से मैं कहूं तो ये भी एक टाइप का इक्वेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम निकल चुका है यूजिंग लैग्रेंजियन, लेकिन हम थोड़ा अगर और थोड़ा सही फॉर्म में लिखे तो मैं कह सकता हूं कि फॉर वेरी स्मॉल थीटा, मीन स्मॉल एंगल के लिए जो साइन थीटा होता है वो बिल्कुल थीटा के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल, और साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, मैं इसको थीटा लिख लेता हूँ इक्वल टू जीरो, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा ऐसा अगर कर लेता हूँ, थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सिंपल सॉरी कंपाउंड पेंडुलम। तो यहां से अगर मैं टाइम पीरियड निकालू तो टाइम पीरियड इक्वल टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल, ओके। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सिंपल सॉरी कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो लैग्रेंजियन से हमने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम देखा है, सिंपल पेंडुलम भी देख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम लैग्रेंजियन सीरीज में एट्यूड मशीन्स देखेंगे, एट्यूड मशीन का जो इक्वेशन होता है, फिर एलसी सर्किट का भी थोड़ा निकाल के देखेंगे, और जो सेंट्रल फोर्स में पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो तो उस केस में लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।